याद आ गई आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, थोड़ी कह देते हैं। भागवत में है, महात्म में। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। राधा रमण महाराज जी सुनाए थे कि तुंगा और भद्रा दो नदियां हैं, लेकिन जब ये एक में मिलती हैं तो वहां से उनका नाम तुंगभद्रा हो जाता है। तुंगभद्रा के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, बहुत धनी थे, विवाह किए थे, लेकिन उनको कोई संतान प्राप्त नहीं है, कोई पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है। तो वे इस दुख से उब करके घर से निकल गए। घर से निकल करके वन में चले गए, एक सरोवर के निकट रुके। बड़े अफसोस में थे। उसी समय उन्होंने देखा एक अतिशय तेजस्वी मुनि ब्राह्मण सन्यासी आए उस सरोवर के तट पर। तो उनको देख करके स्वाभाविक गए, प्रणाम किए। और प्रणाम करके लगे रोने। उस ब्राह्मण देवता को, सन्यासी को दया आ गई। उन्हें पूछा, हे विप्र, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अपने रोने का कारण सुनाया, मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसी से मैं दुखी हूं। और अपने लिए ही दुखी नहीं हूं, अपने पूर्वजों के लिए भी। हमने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि जो व्यक्ति पुत्रहीन होता है उसके पूर्वज शुभ गति प्राप्त नहीं करते हैं। तो हमारे पितर भी नरक में गिर जाएंगे। और ये प्रत्यक्ष देख रहा हूं, मैं जो भी वृक्ष लगाता हूं उसमें फल नहीं लगता है, जो भी गाय पालता हूं अपने घर में वो भी बंध्या हो जाती है, प्रसव नहीं करती है। तो मैं इस दुख से आया हूं कहीं जंगल में, अब आत्महत्या करूंगा। तो सन्यासी समझाने लगे, नहीं नहीं, आत्महत्या मत करो, ये पाप है। और ये संतान प्राप्ति की अभिलाषा त्याग दो, इसमें दुख है, वास्तविक सुख सन्यास में है, घर गृहस्थी के जाल में दुख है। अब तुम विवेक का आश्रय लो, विरक्त हो जाओ और सन्यास ले लो, सुख से रहो। मैं तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ करके कह रहा हूं, इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं है। इतना सुन करके वो ब्राह्मण और रोने लगे, लेकिन एक आश्वासन उनके मन में हुआ कि जो 7 जन्म की बात पढ़ सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। तो वो लगा कहने कि हे सन्यासी, हे जतिराज, हमको विवेक से क्या मतलब है, ज्ञान से क्या मतलब है, मैं पुत्र ही चाहता हूं। आप कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, हमको पुत्र दे दीजिए। तो सन्यासी ने समझाया, देखो विधाता की लिपि को मिटाना एक तो कठिन है, अगर मिटा दिया जाए तो उससे सुख नहीं होता है,
जैसे इतिहास में तुम पढ़े होगे महाराज चित्रकेतु विधाता का लेख मिटा दिए अंगिरा जी की कृपा से, उनको पुत्र प्राप्त हुआ लेकिन कोई सुख नहीं मिला, उनकी पत्नियों ने ही उस बच्चे को मार दिया। बहुत दुख होता है पुत्र वालों को। महाराज सगर पुत्रों के दुख को भोगे, उनके पुत्र मार दिए गए, भगवान कपिल देव के क्रोध से जल गए। इसीलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा मत करो, भक्ति करो, विरक्त हो जाओ। ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि ये पहुंचे हुए महात्मा है संन्यास, तो कहना नहीं हमको किसी हालत में पुत्र दीजिए, भले विधाता का लिखा हुआ मेट दिया जाए या कुछ भी करके, आप सब सर्व समर्थ हैं, हमको पुत्र ही दीजिए। बहुत आग्रह किया, यदि नहीं पुत्र देंगे तो मैं आपके सामने ही मूर्छित होकर के आत्महत्या कर दूंगा, आपके सामने ही बस जनेऊ तोड़ करके आत्महत्या करूंगा। वो सन्यासी फेर में पड़ गए, यदि इसको पुत्र नहीं देता हूं तो ये तो मर जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो ये उचित नहीं है विधाता का लेख मिटाना, लेकिन मैं तुमको एक फल दे रहा हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको संतान प्राप्त होगी। तो बहुत बड़ा आश्वासन मिला, सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने फल दिया और फल लेकर के वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी आनंद से घर आया और अपनी पत्नी को बताया कि ये फल एक महात्मा ने दिया है, इसको खा लो, इससे संतान होगा और ये नियम है, बहुत नियम पालन करना। तो फल दे करके कहीं चला गया अपने काम धंधा में, और वो स्त्री कुतर्क योग करने लगी, कुतर्क योग है ना, वो फल को खाई नहीं। उसके यहाँ उसकी एक सखी आई तो उससे कहने लगी सारी बातें कि ये हमारे पति ने ये फल दिया है खाने के लिए, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गई हूँ। मैं सोचते हूँ फल भक्षण गर्भाश्यात गर्भेण उदर वृद्धिता तत्व अशक्ति, हमारा गर्भ होगा तो पेट बढ़ जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, ये घर का काम कैसे करूँगी, गृह कार्यम कथम भवेत। अगर कदाचित गांव में डकैती पड़ेगी सब लोग तो भाग जाएंगे हल्के शरीर वाले, मैं कैसे भाग सकूंगी। इसीलिए गर्भ धारण करना हमारे लिए मुश्किल है, बहुत दुख में पड़ी। अगर कदाचित सुखदेव गोस्वामी जैसा गर्भ बाहर निकले ही नहीं तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। कथा सुनी होगी, और मैंने सुना है कई स्त्रियों के गर्भ तिरछे हो जाते हैं, अटक जाते हैं, तो मरण हो जाता है बच्चे का भी और स्त्री का भी। तो कहीं गर्भ तिरछा होकर अटक गया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा।
सबके बाद यदि प्रसव हो जाए तो बच्चे का लालन पालन करना मेरे लिए पहाड़ है। कौन लालन पालन करेगी, हमेशा मल मूत्र साफ करेगी। इस तरह से बहुत कुतर्क करके मन में फल नहीं खाई और चूंकि एक सन्यासी ने फल दिया था इसलिए उस फल की परीक्षा करने के लिए उसने एक गाय को खिला दिया। और जब पति पूछा फल खाया, हाँ तो जब दिए उसी समय खा लिया। मैं सोची कि भूल जाएगा, कहीं रखना ठीक नहीं है फल को, जैसे आप दिए ना और गए उसी समय खा लिया। झूठ बोलने में स्त्रियां बहुत तेज होती हैं। बहुत बड़े महात्मा का दिया हुआ फल था तो मैंने खाने में देर नहीं किया। और पति मान लिया कि हाँ खिला दिया, खा लिया। तो उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई तो उससे भी वही बात उसने सुनाया कि मैं फल नहीं खाई। अब तो पति एक्शन लेगा कि संतान क्यों नहीं हुआ, साधु की बात झूठी नहीं हो सकती। तो मैंने तो फल खाई नहीं, फल खाने से ये दिक्कत है। तो उसने कहा तू पूछे कि फल खाया कि नहीं, कह देना खा लिया। वो तो कह ही चुके थे कि फल खा लिया। तो फिर तुम्हारे स्तनों में दूध नहीं आएगा, बिना प्रसव किए दूध कैसे आएगा। दूध आता है उस बच्चे के लिए जो गर्भ में रहता है। तो ऐसा तुम फैलाना कि हमारे बहन का बेटा हुआ था 6 महीना पहले मर गया, तो उसके स्तनों में दूध है और मैं आ करके तुम्हारे घर दूध पिलाने का नाटक करूंगी कि बच्चा हो गया है उसको दूध पिलाना है। अपना बच्चा तो मर गया है और दूध स्तन में बना हुआ है तो तुम्हारे बच्चे को आकर के दूध पिलाऊंगी। और तब तक एक काम करना, अपने को गुप्त रूप में रख करके प्रतिदिन गर्भ को बढ़ाते जाना। क्या तरीका होगा, गर्भ में रोज कपड़ा लपेटना और गर्भ को बढ़ाते जाना, पता किसी को ना चले, तुम्हारे पति को भी पता न चले, गुप्त रूप में रहना। और मैं गुप्त रूप में झूठा आकर के स्तन पिलाया करूंगी। सब योजना के अनुसार सफल हुआ, उसने फल खाया नहीं इसलिए कोई बच्चा बच्ची हुआ नहीं, स्तन में दूध कहाँ से आई। तो उसने कह दिया पता नहीं क्या बात है, प्रसव के बाद भी स्तन में दूध नहीं आया। तो पति बहुत पोंगा था, वो मान लेता था अपनी पत्नी की बात को।
झूठ बोलने में जो परम दक्ष थी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। यद्यपि पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने से क्या होगा, ब्राह्मण लोग क्या कम स्त्री में आसक्त होते हैं। तीन महीने के बाद गाय को बच्चा हुआ तो सब जगह आनंद छा गया कि आत्मदेव का भाग्य उदित हुआ। देखो गाय भी देवता जैसा मनुष्य का बच्चा दी है, गाय जैसा कर्ण था, कान था, इसीलिए उनका नाम स्वयं आत्मदेव ब्राह्मण ने ही रखा गोकर्ण। बहुत उत्सव किए, बहुत धनी थे ही, बहुत दान दिए ब्राह्मणों को। इसके बाद उसकी बहन लाई अपने बच्चे को दे दी और उसने प्रचार किया कि बच्चा हुआ है, बड़ा प्रौढ़ है, बहुत विकसित शरीर है। सब लोग धन्यवाद देने लगे, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, भोजन भंडारा सब हुआ। कहने लगे लोग, देखो भाग्य जब उदित होता है तो ऐसे होता है, अपना बच्चा तो हुआ ही, गाय ने भी देवता जैसा बच्चा दे दिया। तो बहुत बड़े ब्राह्मण सन्यासी का दिया हुआ फल था, इसलिए बच्चा बहुत सुंदर, कनक प्रभम, सोना जैसा शरीर हुआ गाय का जो बच्चा था गोकर्ण। तो गोकर्ण तो परम उच्च कोटि के संत हुए, महात्मा। और जो धुंधली का पुत्र था, उनकी पत्नी का, जो पत्नी के बहन का बेटा था, वो उसका नाम उन्होंने रखा धुंधकारी। धुंधकारी महाखर, गोकर्ण महान आत्मा महात्मा, लेकिन धुंधकारी महाखर। वो रोज चोरी करना उसका काम था, बिना नहाए धोए रहता था, कभी स्नान नहीं करता था, यहाँ तक कि सब हंसते न भोजना। कभी कभी सब जलाने जाता था, मुर्दा जलाता था, तो बिना नहाए बिना हाथ धोए खा लेता था। और सहज हिंसा थी, बच्चों को खिलाने के लिए गोद में टांग लेता था और ले जाकर के किसी कुआं में खाई में फेंक देता था, बच्चे मर जाते। इतना खूंखार था व्यक्ति। एक दिन धन के लिए अपनी माँ को बहुत मारा, तो वो तो जा करके कुआं में गिर करके मर गई। जो इस तरह से झूठ बोली थी धुंधली, वो मर गई कुआं में गिर करके। इसके बाद पिताजी से पूछने लगा, आत्मदेव ब्राह्मण से, और धन कहाँ है, सब गड़ा हुआ धन बताइए। धन तो बहुत था पहले, लेकिन सब खत्म कर दिया था धुंधकारी। तभी बड़े दुखी हुए और स्वयं अपने पुत्र से, जो गाय से जन्म लिया था, पूछने लगा कि हमको क्या करना चाहिए।
कैसे मेरा दुख मिटेगा। तब गोकर्ण जी ने उपदेश किया है कि आप घर छोड़ करके सन्यासी हो जाइए। देहेस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तेजत्वम। ये देह अस्थि मांस और रुधिर से बना हुआ, देह में मांस है और हड्डियां हैं और बहुत खून है, इसमें अभिमति छोड़ दीजिए, इसको मैं मत मानिए। आप अपने को समझिए, देहेस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तेजत्वम। अभिमति अर्थात ये मान्यता कि मैं देह हूँ, ये भाव छोड़ दीजिए। जायात्म जा दिशुभ सदा ममताम विमुंच। स्त्री में और पुत्र आदि में ममत्व छोड़ दीजिए, सदा सदा ममताम विमुंच। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। इस जगत को, सारी वस्तुओं को क्षणभंगुर समझिए, कुछ ही समय के लिए मिली है और नष्ट हो जाती। क्षणभंग जगत इदम, क्षणभंग क्षणभंगुरम। क्षण का अर्थ होता है कुछ काल, तो पत्नी और पुत्रों की ममता त्याग दीजिए और जगत को, जगत की प्रत्येक वस्तु को नाशवान समझिए। कुछ समय के लिए हैं, बाद में नहीं रहेंगे। वैराग्य राग रसी को भवभक्ति निष्ठा। वैराग्य लेकर के भगवान की भक्ति में लग जाइए, भक्ति में बहुत सुख है, भक्ति में आपकी मति रहनी चाहिए। भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा कर लीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म अर्थात भागवत धर्म, भागवत धर्म का पालन कीजिए। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान, और सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ दीजिए। जो सांसारिक कर्तव्य हैं, लोक धर्म है, इनको छोड़ दीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का, भक्तों का संग कीजिए। जहि काम तृष्णा, और विषय भोगों की लालसा को खत्म कीजिए। संसार को भोगने की लालसा होती है, भले मिले या ना मिले, लेकिन लालसा होती है। इंद्रियों के विषयों को भोगने की लालसा होती है। तो गोकर्ण जी कहते हैं, सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। आप विषय भोग की वासना को छोड़ दीजिए, मार दीजिए। कभी व्यक्ति विषय भोग से तृप्त नहीं हो सकता है, केवल वासना बनी रहती है, तृष्णा रहती है। तो व्यक्ति सोचता है कि आगे मैं सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कभी सुख नहीं होता है। जिंदगी भर जलना पड़ता है, बल्कि जन्म जन्म में वासना रह जाती है।
दूसरे जन्म में भी भोगने की लालसा रहती है। यही भोगों का स्वभाव है, इनका आकर्षण बना रहता है और जीव को मृत्यु के अधीन होना पड़ता है और फिर जन्म लेना पड़ता है। जन्म इसीलिए होता है कि वासनाएं इच्छाएं रह जाती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव को अवसर दिया जाता है। कभी पूरा नहीं होंगी लेकिन उसको अवसर दिया जाता है दूसरे शरीर में, जैसे कुत्ता का शरीर है या सुअर का शरीर है। उन लोगों को अवसर दिया जाएगा जो लोग बिना भगवान को अर्पित किए कुछ भी खाते रहते हैं। एक ऐसा समय दिया जाएगा कि जबकि कोई नियम कानून नहीं रहेगा, छोड़ देंगे भगवान, खा लो जितना मन करे और जो मन करे खाओ, कोई न सरकार प्रतिबंध डालने वाली है न कोई आदमी, खूब मनमाना खाओ। लेकिन खाते खाते शरीर पूरा हो जाएगा पर वासना पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी, फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। इस तरह से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर के बाद तीसरा शरीर, इस तरह चौथा पांचवा अनंत अनंत शरीर है, 84 लाख प्रकार का शरीर। और अपनी इच्छा से, इच्छा के कारण जीव को ये देह लेना पड़ता है। इसीलिए कुकर्ण जी कहते हैं सेवा साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का संग करो और जही काम तृष्णाम, विषय भोग की तृष्णा को समाप्त करो।